मल्होत्रा बोले कि गोरस पे तो 250 लोग लेकर बैठे सीताराम पूर्व विधायक मुझे दलाल बिकाऊ और गैर आदिवासी कहते हैं। खबर कराल से है जो आज बस स्टैंड में आयोजित कांग्रेस चुनावी सभा मंच पर पूर्व विधायक सीताराम द्वारा एक दिन पहले दिन गए बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुकेश मल्होत्रा ने अपने भाषण में कहा कि 200 लोगों को लेकर बैठे लोग मुझे दलाल बिकाऊ और गैर आदिवासी बताते हैं। अरे तुम विधायक रहकर आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, मैंने तो मेरे आदिवासी समाज के लिए जेलों तक में जाकर लड़ाई लड़ी है। इसी बीच जीतू पटवारी ने भी मंच से मुकेश मल्होत्रा को आदिवासी समाज को असली नेता बताया और दलाल वाले बयान पर बोले कि दलाल मुकेश नहीं, वो लोग हैं जो एक व्यवस्था के चलते कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं। देखिए संवाददाता अमित श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। बोला 200-250 लोग लेके बैठे थे कि वो मुकेश मल्होत्रा तो वो दलाल है, बिकाऊ है, आदिवासी नहीं है। तो क्या मैं आदिवासी नहीं हूँ? बता मैं नहीं होगा। वो विधायकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन मुकेश मल्होत्रा सड़कों पे तुम्हारी लड़ाई हमेशा लड़ता है और जेलों में जाकर लड़ाई लड़ता है। आज हमारी लड़ाई बाबू जंजेल जी सोपो में लड़ेंगे, कैलाश पासवान जी पौड़ी लड़ेंगे, लीटू भैया दिल्ली में लड़ेंगे, दिनेश भाई साहब हमारी लड़ाई संभाग में मुरैना लड़ेंगे और हमारे सांसद जी लड़ेंगे, जीतू भैया हमारे बीच में और ओमकार सिंह मरकाम हमारे मंत्री बुंदेलाल मार्को आदिवासी नेता ये भोपाल की विधानसभा में आदिवासियों के लिए कानून बनाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। इनका साथ देना है नहीं देना है? तो सभी साथी नीतू भैया को एक बार हाथ ऊंचे करके संकल्प ले और परसों कांग्रेस में वोट देने को तैयार रहता हूँ। तैयार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरा भाई है आदिवासियों की लड़ाई लड़ता है, आपके परिवार का है, खूब खूब मान सम्मान से कोई कह रहा था अभी कि ये दलाल है, आपको बोला दलाल है वो। अब मैं उससे किससे बोला ये नहीं बताना चाहता हूँ। दलाल कौन है जिसने समय पे क्या किया वो हम सबको पहचानना मैं नाम ले लूंगा। जहां तक प्रश्न है जो कांग्रेस छोड़ के चले गए उनके लिए कोई छोटे और ओछे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ईश्वर उनका भला करे, जो मनोकामना लेके गए हैं पूर्ण हो। भगवान उनका जब चुनाव हो जाए 4 दिन बाद तब उनका अपमान न हो, इतनी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ।